हेलो डेयर स्टूडेंट्स आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम गोल्डन पब्लिक स्कूल एंड दिस इज योर कंप्यूटर क्लास सो एज यू नो वी आर डिस्कसिंग आवर चैप्टर नंबर नाइन विच इज़ अबाउट इमेजेस एंड लिंक्स इन एस टी एम एल सो जैसे कि जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है लिंक के बारे में और हमने डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक एक्सटर्नल लिंक एंड इंटरनल लिंक सो लास्ट वीडियो में हमने उनके बारे में डिस्कस किया था सिर्फ हमने उनको एक्सप्लेनेशन उनका देखा था सो टुडे वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग सो उन एग्जांपल्स को आप बड़े ध्यान से देखना हम प्रैक्टिकली कर, कर देखेंगे कि कैसे हम एस के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग का यूज़ कर सकते हैं सो so, सबसे पहले एक्सटर्नल लिंकिंग को स्टार्ट करेंगे हम लेकिन उससे पहले लिंकिंग क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा सो so, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है और ये काफ़ी सारा टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में रेड कलर में जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर उन पर लेके जा रहा हूँ सो so, आप देख सकते हैं वहाँ पे वो हाईलाइट हो रहे हैं ये आपके लिंक्स है सो so, जैसे ही मैं किसी भी एक लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा यू कैन सी इसने एक दूसरा यहाँ पर वेब पेज ओपन कर दिया है सो इस टाइप से हमारा लिंक यहाँ पर वर्क करता है मतलब हम किसी भी एक लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे वो किसी जो लिंक से रिलेटेड वेब पेज वहाँ पर होगा उसको ओपन कर देगा क्योंकि एक पेज पर एक वेब पेज पर इतना सारा डेटा को लेकर आना इजी नहीं है और अगर आप लेकर भी आएंगे तो काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है तो इसलिए हम अपने अलग अलग डेटाज़ को अलग अलग लिंक की हेल्प से अलग पेजिस पर सेव कर सकते हैं और वो जितने भी सारे लिंक्स हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर पेज पर रख सकते हैं ताकि हम बड़े ही आसानी से सिर्फ़ लिंक्स पर क्लिक करके उन वेब पेजेस को एक्सेस कर पाए सो so, इसी टाइप से देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर मैं किसी और दूसरे लिंक के ऊपर भी यहाँ पर क्लिक करूँगा सो वो भी सेम टाइप से वर्क करने लगेगा सो so, ये आपका लिंक्स होते हैं आई होप आपको ये लिंक्स समझ में आए होंगे सो so, चलिए अब अपने प्रोग्राम में लिंक को ऐड कर कर देखते हैं सो so, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था लिंक को ऐड करने के लिए आपको ए एच आर ई एफ इस टैग का यूज़ करना होगा ए हमारा एंकर टैग होता है और एच आर ई एफ का मतलब है हाइपर टैक्स रेफरेंस सो so, जो आपका यहाँ पर हाइपर लिंक है हाइपर लिंक का ये रेफरेंस यहाँ पर हम देंगे कि किस वेबसाइट का हमें यहाँ पर लिंक देना है तो so, चलिए सी बी एस सी की वेबसाइट का लिंक पहले हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं तो so कॉपी करने के लिए सिंपली आप वही वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये हमारी सी की वेबसाइट है सो so ये जो ऊपर इसका एड्रेस आ रहा है इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके सिंपली मुझे इस एड्रेस को अपने एस के अंदर पेस्ट करना होगा अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा सो मैंने अब यहाँ पर डबल कोमा लगाकर इसको बंद कर देना है और यहाँ पर क्लिक या कोई भी अदर टेक्स्ट भी मैं यहां पर दे सकता हूं या क्लिक हेयर लिख सकते हैं और मैं यहां पर लेकिन दूंगा क्लिक टू विजिट सी बी एस सी वेबसाइट साइट सो जो भी टेक्स्ट आपको वहां पर शो करना है वो टेक्स्ट दे के एंकर टैग को यहां पर हम क्लोज कर देंगे सो so, आप देख सकते हैं ये मैंने सेम टाइप से ही यहाँ पर लिंक को अप्लाई किया है जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करना होगा आप देख सकते हैं एंकर टैग हमने यहाँ पर ओपन और क्लोज कर दिए हैं और जो मेन चीज़ है वो है यहाँ पर हाइपर लिंक का रेफरेंस ये यहाँ से यहाँ तक का जितना भी पोर्शन है सो हाइपर लिंक के रेफरेंस के अंदर हम जो भी वेबसाइट को हमें यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कराना है जिस भी वेबसाइट का उस वेबसाइट का एड्रेस देना होगा सो एच आर एफ इजिक्स टू डबल कोमा लगाने के बाद अब मैंने लिंक को सिंपली वहाँ पर से इंटरनेट से ये यह यहाँ से लेके कर यहाँ तक कॉपी कर लिया है अगर आपकी खुद की कोई वेबसाइट है सो उसका भी लिंक आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं डबल कोमा को बंद किया मैंने और ब्रैकेट को इसको क्लोज कर दिया अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने क्लिक टू विजिट सी सी वेबसाइट सो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको कोई भी लिंक देखने के लिए मिलता है और उस लिंक से रिलेटेड वहाँ पर एड्रेस लिखा होता है कोई भी एक टेक्स्ट जैसे कि अगर फेसबुक का लिंक है सो वहाँ पे लिखा रहेगा फ़ेसबुक ताकि आपको पता रहे कि इस लिंक पर अगर मैं क्लिक करता हूँ सो फेसबुक ओपन होगा सो सिमिलरली यू कैन टाइप एनी टेक्स्ट हेयर जैसे कि मैंने सी की वेबसाइट का लिंक दिया है सो मैंने सेम ही टेक्स्ट को यहाँ पर यूज़ किया है क्लिक टू विज़िट सी बी एस सी वेबसाइट ताकि हमें पता रहे कि ये लिंक सी बी एस सी की वेबसाइट को ओपन करने के लिए है और उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर एंकर टैग को बंद कर दिया है सो so, ये आपको कम्प्लीट आई होप समझ आया होगा सो so, अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या हमें लिंक वहाँ पर मिलता है या नहीं सो आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन करूँगा सो so, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लिक टू विज़िट सी वेबसाइट का लिंक आ गया और जैसे ही इस लिंक पर मैंने क्लिक किया सो सी सी की वेबसाइट ओपन हो गई मतलब आपकी अपनी वेबसाइट से आपने सी की वेबसाइट को यहाँ पर लिंक के थ्रू ओपन कर दिया है सो so, ये तो बात हुई एक वेबसाइट को लिंक करने की और अगर हमें किसी एक वेब पेज को ही लिंक करना होगा तब कैसे करेंगे वो प्रोसेस भी बिल्कुल सेम होता है चलिए उसको भी यहाँ पर कर कर देख लेते हैं तो सबसे पहले नोट पैड की फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ सिमिलरली इस बार मुझे फिर से टाइप हो करना होगा यहाँ पर एंकर टैग हाइपर लिंक रेफरेंस इजकस टू डबल कोमा और चलिए अभी किसी एक वेब पेज का लिंक लेते हैं अभी हमने वेबसाइट का लिंक लिया था अभी एक वेब पेज सो ये वेब पेज मैंने खुद का बनाया हुआ है सो so इसके लिंक को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही आई हैव टू पेस्ट इट इन माई एस टी एम एल फाइल सो एस टी एम एल की जो हमने नोट पैड पर फाइल बनाई है इसमें इसको मैंने पेश कर दिया अभी डबल कोमा को बंद करने के बाद हमें एंकर टैग को भी यहाँ पर बंद करना होगा और यहाँ पर कोई भी जो आप लिंक के लिए टैक्स देना चाहते हैं जैसे आई एम टाइपिंग क्लिक हेयर सो इस टाइप से आप कोई भी टैक्स लिख के so, सो चलिए आप सेव करते हैं सेव करने से पहले मैं यहाँ पर एक बी आर टैग का यूज़ कर लेता हूँ जैसे आपको पता ही है बी आर टैग इज़ यूज टू ब्रेक द लाइन ताकि ये दोनों लिंक्स हमें अलग अलग लाइन में शो हो नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल और सेव करने के बाद जैसे ही मैं इस फाइल को रन करता हूँ सो यू कैन सी नाउ टू लिंक्स आर अवेलेबल फर्स्ट इज़ फॉर सी बी एस टी वेबसाइट एंड सेकेंड वन इज़ फॉर माई वेब पेज सो सेकेंड लिंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरा जो वेब पेज था वो यहाँ पर ओपन हो गया सो so, आपने देखा लिंक को यूज़ करना कितना ज़्यादा इजी है वी कैन अप्लाई लिंक वेरी इजीली। सो जो हमने ये लिंक की अभी बात करी दिस वाज अवर एक्सटर्नल लिंक एक्सटर्नल लिंक का मतलब आपको समझ आया होगा कि हमने अपने वेब पेज के अंदर कुछ लिंक प्रोवाइड करें और उस लिंक की हेल्प से हम किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरे वेब पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं सो दिस इज़ एक्सटर्नल लिंक मतलब कि एक वेबसाइट की हेल्प से किसी दूसरी वेबसाइट को या किसी दूसरे वेबसाइट को एक्सेस करना दिस इज़ एक्सटर्नल लिंक सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल लिंकिंग इंटरनल लिंकिंग में जो भी हमारा लिंक वर्क करेगा वो सेम ही वेब पेज पे वर्क करता है मतलब जो भी वेब पेज पे आपने लिंक अप्लाई करा उसी वेब पेज पे वो लिंक आपका वर्क करेगा so चलिए इंटरनल लिंकिंग को भी देख लेते हैं तो यू कैन सी मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे टैक्स्ट को टाइप किया हुआ है सो so, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा टेक्स्ट यहाँ पर टाइप हुआ है सो so, मैं चाहता हूँ कि इस पेज को जैसे मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ अप एंड डाउन जाने के लिए मुझे ये स्क्रॉल ना करना पड़े मैं इंटरनल लिंकिंग के हेल्प से इस पेज को स्क्रॉल कर सकता हूँ क्योंकि इंटरनल लिंकि जैसे मैंने बताया सेम पेज पर वर्क करता है अभी ये हमारा एक पेज है सो so, मैं इंटरनल लिंकिंग को चाहता हूँ कि मैं ऊपर इंटरनल लिंकिंग को यहाँ पर आप देख सकते हैं आइस पर लिखा हुआ है इस पर इंटरनल लिंकिंग को मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मैं ऐड करूँ और जैसे ही मैं आइस स्टोपा पर क्लिक करूंगा सबसे लास्ट में जो वेलकम लिखा हुआ है वहां पर हमारा पेज अपने आप से स्क्रॉल हो जाए सो so, इंटरनल लिंक का यूज़ इसी टाइप से किया जाता है कि सिमिलर पेज पे आप उसका वर्क कर सकें एक पोजीशन से दूसरी जगह पे जाने के लिए सो so, चलिए अभी लिंक को यहाँ पर अप्लाई करते हैं ताकि हम इजीली वेब वेलकम यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ तक जा सकें सो टू अप्लाई द लिंक यू हैव टू टाइप द सिमिलर थिंग एंकर टैग हाइपर लिंक रेफरेंस इजकस टू अब यहाँ पर जो चीज़ डिफरेंट है दिस इज़ हैश आपको यहाँ पर डबल कोट लगाने के बाद हैश का यूज़ करना होगा जबकि एक्सटर्नल लिंकिंग में हम डायरेक्ट वेबसाइट या वेब पेज का लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करा देते थे अभी हैश लगाने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी टैग दे सकता हूँ जैसे कि आई एम गोइंग टू टाइप बोटम जरूरी नहीं है आप बोटम ही लेके आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट एंड कुछ भी आप दे सकते हैं अभी ये लिंक हमें किस वर्ड के ऊपर चाहिए आयिस इस्टोपा के ऊपर चाहिए तो इसीलिए एंकर टैग को मैं यहाँ पर बंद करूँगा अगर मुझे लिंक कहीं और पर चाहिए होता तो मैं एंकर टैग को वहाँ पर भी बंद कर सकता था सो so, अब लास्ट में हमें आना कहाँ है वेलकम पर सो so, वेलकम पे आने के लिए भी हमें यहाँ पर थोड़ी सी कोडिंग करनी होगी ए नेम इज इक्वल्स टू और डबल कोट के अंदर जो नेम मैंने यहाँ पर ऊपर दिया है सेम नेम देना होगा जैसे मैंने बॉटम अगर लिखा है तो बॉटम अगर मैं वहाँ पर कुछ ओल्ड लिखा होता सो तो वो ही मुझे यहाँ पर भी टाइप करना होता सो आई एम गोइंग टू टाइप बॉटम सो जैसे ही मैं यहाँ पर बॉटम टाइप करूँगा डबल कोट को क्लोज़ करेंगे और इसको ब्रैकेट को यहाँ पर हम बंद कर देंगे सो so, ये हमने लिंक यहाँ पर अप्लाई कर दिया है सो so, जो वेलकम लिखा हुआ ये आपको बिल्कुल सिमिलर टाइप से ही लिखा हुआ दिखाई देगा लेकिन जो हमने ऊपर लिंक अप्लाई किया है आइस स्टूपा पर यह आपको एज अ लिंक डिफरेंट कलर का शो होगा चलिए सेव करते हैं इस फाइल को एंड आफ्टर सेविंग जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा नाउ यू कैन सी इट इज़ शोविंग आइस स्टूफा ओ ब्लू कलर मतलब आइस स्टोफा यहाँ पर ब्लू कलर का हो गया है और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे कोई चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो हमने टैक्स टाइप किया है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है सो चलिए टैक्स का साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं सो टू इंक्रीज द टाइज सिंपली आई हैव टू टाइप द साइज हेयर सो टाइप साइज इन एंगल ब्रैकेट फोन साइज इक्व टू सेवन सो यू कैन टाइप एनी साइज़ मैंने यहाँ पे सेवन साइज ले लिया है क्योंकि सैवन साइज काफ़ी है सो so सेव करने के बाद अभी उस फाइल को दोबारा से चलिए ओपन कर लेते हैं सब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ओपन करूँगा अब ये साइज काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है सो so अभी आइस स्टोप पर अगर मैं क्लिक करता हूँ सो so ये हमें डायरेक्टली पेज पर लास्ट में वेलकम पर लेकर चला जाएगा अब आप देख सकते हैं अगर मुझे वापस ऊपर जाना हो इसक्रोल बार की हेल्प से सो so, हम कितने ज़्यादा स्क्रोलिंग करने से बच गए हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल लिंकिंग मुझे सिंपली आई सी स्टूपर पर क्लिक करना है और मैं लास्ट में यहाँ पर जा सकता हूँ सो इट वॉज अवर इंटरनल लिंकिंग अगेन अगर मैं क्लिक करता हूँ आप देखेंगे वापस से हम वहीं पर पहुँच जाते हैं सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग इंटरनल लिंकिंग सेम पेज पर वर्क करता है जबकि एक्सटर्नल लिंकिंग में हम किसी अदर वेबसाइट या वेब पेज का एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं सो स्टूडेंट्स दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच